हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रोज़ रिव्यू। ये मेरा रोज़ प्लांट है जिसे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमें गार्डन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो रोज़ है इसका नाम है डमास्क रोज़। डमास्क रोज़ बहुत ही फेमस रोज़ है, मतलब ये रोज़ बहुत ज़्यादा इसे कल्टिवेट किया जाता है, क्योंकि इससे रोज़ ऑयल, रोज़ फ्रेगरेंस या गुलकंद वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा बनता है। ये जो रोज़ है इसको मेरे पास लगाए हुए 1 साल हो गया। मेरे पास 2 प्लांट है इसका। सेकंड वाला जो प्लांट है उसका फ्लावर थोड़ा लाइट कलर में है, और तो जो फर्स्ट वाला है वो है जो बड़ा प्लांट है वो थोड़ा डार्क कलर में है। सेकंड वाला जो छोटा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा क्लाइंबर की तरह बढ़ता है, लेकिन जो ये वाला है इतना क्लाइंबर की तरह नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, थोड़ा श्रब की तरह ही बढ़ते हैं। दोनों प्लांट मेरे ओन रूट हैं, मतलब दोनों खुद के रूट में हैं और दोनों ही कोकोपीट में ग्रो किए हुए हैं। एक है 14 इंच के पॉट में और एक है 12 इंच के पॉट में। और जो दोनों रोज़ हैं ये लोकल ही ख़रीदा गया था, मैंने लोकल ही ख़रीदा था अराउंड 40-50 रुपीज़ में पर प्लांट। और यकीन मानिए मुझे ये प्लांट इतना ज़्यादा पसंद आया, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप चाहते हैं बहुत ही ईजी ग्रोइंग रोज़ लगा लें जिसमें फ्लावर भी अच्छा है, प्लस इसका जो शेप है वो कप शेप है, एंड इसका ब्लूम हाईली फ्रेग्रेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग से मतलब इसके जो फ्लावर है अराउंड 4 to 5 डेज आराम से प्लांट में टिक जाते हैं। इसका जो लीफ स्टाइल है थोड़ा सा थॉर्नी प्लस इसका जो लीफ है वो प्योर ग्रीन है और बड़े साइज के लीफ्स हैं, मतलब छोटे पत्ते नहीं है, बड़े बड़े पत्ते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा रोज़ प्लांट है ये, और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। इसमें अभी अराउंड 13-14 बर्ड्स लगे हुए हैं। प्रूनिंग के बाद इसका फर्स्ट फ्लश कह सकते हो आप, अराउंड 13-14 इसमें बर्ड्स अभी इसमें एट द टाइम लगे हुए हैं, और इसमें 3-4 फ्लावर भी खिले हुए हैं। ये जो रोज़ है इसको कटिंग के थ्रू भी लगाया जा सकता है, मैंने कटिंग भी ग्रो किया हुआ है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको रीप्लांट करके दिखा दूंगा कि कटिंग ग्रोन को मैं किस तरीके से रीप्लांट करता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा। इसकी ही कटिंग मैंने लगाया था बड़े वाले प्लांट की, और बहुत ही सक्सेसफुल कटिंग मेरी चल गई है। और इस प्लांट का जो लीफ स्ट्रक्चर है वो 5 पेटल्स होता है, 5 to 7 पेटल्स इसमें आ जाते हैं आराम से, और ये थोड़ा सा थॉर्नी साइड में है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, लेकिन ये जो रोज़ है वर्थ परचेज है। अगर आप डी ए रोज़ में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि आपको वैसा ही रोज़ मिले जिसमें काफ़ी अच्छे पेटल्स हैं, काफ़ी अच्छा कप शेप ब्लूम है, तो आप इस रोज़ को एक चांस दे सकते हैं। ये प्लांट आपको लोकल नर्सरी में भी मिल सकता है और ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं, लेकिन लोकली आपको इजीली ये प्लांट अवेलेबल हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर बताएं, और साथ साथ मुझे ये बताएं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे क्या वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।